गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, एजुकेटेड पलवन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटेड पलवन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नई नई सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल आउटवर्ड रिटनेबल रजिस्टर फॉर्मेट क्या होता है। आपने कहीं भी काम कर रहे हो, अगर मॉल में करो, कंपनी में करो, अदरवाइज किधर भी करो, तो मटेरियल मूवमेंट होता ही होता है। तो उस मटेरियल मूवमेंट को आपको अगर एक फॉर्मेट में एंट्री करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है तो रजिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। तो उस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं और आपको कैसे फिलअप करना है ताकि आप किसी भी बिना रुकावट के उस रजिस्टर्स को ठीक तरह से फिलअप कर सके और डॉक्यूमेंटेशन कर सके, तो उसके लिए हम देखने वाले आज। तो रजिस्टर्स में कौन से कॉलम्स होते हैं और उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है। तो पहले ये मटेरियल आउटवर्ड रिटनेबल रजिस्टर्स होता क्या है। तो मटेरियल आउटवर्ड रिटनेबल रजिस्टर्स यानी कि जो कंपनी में मटेरियल है वो बाहर जाएगा और वापिस आएगा उस रजिस्टर्स को बोलते हैं मटेरियल आउटवर्ड रिटनेबल रजिस्टर्स। यानी कि आपके कंपनी में से जो मटेरियल बाहर जाएगा और रिटर्न आएगा उस जो भी मटेरियल इनवर्ड एंट्री होती है उस एंट्री को बोलते हैं मटेरियल आउटवर्ड रिटनेबल रजिस्टर्स। जो भी चीजें अगर ऐसी कौन सी चीजें है, तो जो भी कंपनी की में कुछ अगर ऐसी चीज है वो खराब हो गई है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए सर्विस सेंटर भेज रहे हो, वहां से रिपेयर होकर रिटर्न आने वाला है, तो ऐसे चीजों के लिए जो भी एंट्री होता है गेट पर बनता है, तो ऐसे चीज का एंट्री होता है तो आउटवर्ड रिटनेबल रजिस्टर्स में होता है। तो उसमें क्या क्या कॉलम आते हैं तो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट में जब भी आप एंट्री करोगे तो उसके ऊपर जो भी सीरियल नंबर होगा 1 हो 2 हो 3 हो 10 हो या पर एंट्री पर्पज आपको वहां पे लिखना है। उसके बाद में डेट जो भी है कुछ 22 अक्टूबर 2023 जो भी डेट है वहां पे लिखनी है आपको। उसके बाद में जो भी गेट पास नंबर है जिस गेट पास के आधार पर आप एंट्री बना रहे हो, अगर मटेरियल बाहर जा रहा है तो आपको गेट पास होना जरूरी है, उसी गेट पास के आधार पर आप एंट्री बनाने वाले हो। तो जो भी गेट पास नंबर है गेट पास बुक का तो लिखना है, कितना भी है 10 11 10 12 जो भी कुछ है तो वहां पे आपको ये रजिस्टर का नंबर लिखना है, गेट पास का नंबर रजिस्टर पे लिखना है। उसके बाद में उस जो भी मटेरियल जा रहा है उसका टाइम मेंशन करना है, कौन से टाइम को जा रहा है, डेट एंड टाइम। उसके बाद में मेन पार्ट आता है आपका मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी गेट पास पे जो ऑथराइज मटेरियल को आपके ऑथराइजेशन मिला है उसी मटेरियल को जैसा है वैसा ही डिस्क्रिप्शन उसका आपको इस रजिस्टर में मेंटेन करना है। जो भी रजिस्टर्स मेंटेन करना है, अगर लैपटॉप है तो कितने लैपटॉप है, अगर 10 क्वांटिटी है तो उसका 10 का सीरियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद में जितनी भी क्वांटिटी है वहां पे नोज में या तो केजी में या तो पॉकेट में जो कैसे भी जा रही है तो उसका आपको क्वांटिटी लिखने टाइम आपको नोज है तो नोज लिखना है, केजी में है तो केजी में लिखना है, अगर पॉकेट में जा रहा है तो पॉकेट में, बॉक्स में लिख रहा है तो बॉक्सेस लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी में उसका लिखना। तो जो भी डिस्क्रिप्शन है कंपनी जो मटेरियल जा रहा है तो उस मटेरियल का भी पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, जो भी सीरियल नंबर मॉडल नंबर होगा वो सब लिखना है। उसके बाद में आप जो मटेरियल है वो कहाँ पे जा रहा है, तो मटेरियल सेंड टू एड्रेस जहां पे आप भेज रहे हैं रिपेयरिंग के लिए या तो इवेंट पर्पज जा रहा है 2 दिन के लिए, उस फिर वापस आने वाला है, कंपनी का कोई फंक्शन है बाहर उधर जाके फिर वापस आने वाला है, वो जो भी जिस सर्विस सेंटर में भेज रहे हैं आप उस सर्विस सेंटर का पूरा डिटेल्स एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर के साथ लिखना है। अभी कौन सी भी एजेंसी का नाम हो, बालाजी एजेंसी हो, कुछ भी हो, वह कहाँ पे है उसका लोकेशन, उसका एड्रेस और जिसके पास भेज रहे उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी वहां पे होना जरूरी है। उसके बाद में ऑथराइज्ड बाय नेम एंड सिग्नेचर, कौन पर्सन है जो ऑथराइज दे रहा है इस चीज के लिए बाहर भेजने के लिए, उसका नाम, जो भी एडमिन से हो, फैसिलिटी से हो, आईटी डिपार्टमेंट से हो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हो, जो भी कुछ है उसका नाम और नेम सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद में पर्पज, क्यों भेज रहे हो बाहर, जो भी मटेरियल बाहर जा रहा है तो उसका पर्पज क्या है, रिपेयरिंग के लिए जा रहा है, इवेंट पर्पज जा रहा है, जो अलग और कुछ रेंट पे जा रहा है, जो भी
कुछ पर्पज है तो उधर पर्पज लिखना जरूरी है। उसके बाद में जो भी एंट्री बना रहा है पर्सन, उस सिक्योरिटी का नेम और उसका सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद में अप्रोक्स डेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कब वो वापिस आने वाला है, 4 दिन में आने वाला है या 8 दिन में आने वाला है या मंथ लगने वाला है, जो भी डेट है अप्रोक्स रिटर्न आने की वो उसमें रिटर्न डेट डालना है, ताकि आप रिटर्न डेट के हिसाब से अगर नहीं आया तो उसको ट्रैक कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आया, उस डिपार्टमेंट को बता सकते हो कि आपका मटेरियल रिटर्न नहीं आया। तो ये एंट्री क्लोज करने के लिए अप्रोक्स में डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उसको ट्रैक कर सके। उसके बाद में मटेरियल कैरियर, जो भी लेके जा रहा है बंदा, तो उसका नाम, सिग्नेचर और कॉन्टेक्ट नंबर होना जरूरी है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि ये बंदा कंपनी से ये मटेरियल लेके गया है। उसके बाद में मटेरियल रिटर्न डेट एंड टाइम क्वांटिटी, जब वो वापिस आएगा तो उस टाइम आपको डेट लिखनी है, वहां पे टाइम लिखना है, और क्वांटिटी जो दी है वही मैच हो रही है क्या, वो करके आपको यहाँ पे एंट्री क्लोज करनी है। उसके बाद में जो भी सिग्नेचर है सिक्योरिटी का, जो भी बंदा क्लोज कर रहा है एंट्री, उसका नेम एंड सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर रिमार्क का यूज कर रहे हो, अगर क्वांटिटी में कुछ डैमेज हुआ है, कुछ कम नोज आए हैं, कुछ क्वांटिटी कम ज्यादा हुई है, तो आप उसमें रिमार्क में लिख सकते हो। अगर 5 गए आइटम, 3 आए हैं तो 2 बाकी है लिख सकते हो, अगर 5 है, 4 आए हैं तो 1 बाकी है लिख सकते हो, ये सब उस रिमार्क में लिखना है। तो कभी भी आपको कंपनी का कोई मटेरियल अगर आउटवर्ड रिटर्नेबल बेसिस पे जा रहा है, तो रजिस्टर्स में सीरियल नंबर, डेट, गेट पास नंबर, डेट एंड टाइम, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, मटेरियल सेंड एड्रेस, ऑथराइज्ड बाय नेम एंड सिग्नेचर, पर्पज किसका भेज रहे हो, सिक्योरिटी नेम एंड सिग्नेचर, अप्रोक्स डेट ऑफ रिटर्नेबल, मटेरियल कैरिड कौन लेके जा रहा है, उसका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, मटेरियल रिटर्न टू डेट, जब मटेरियल रिटर्न आएगा उस डेट, और सिक्योरिटी सिग्नेचर, और रिमार्क्स में आपको कुछ अगर ऑब्जर्वेशन है तो लिख सकते हो। तो ये सब चीजें करनी है, ताकि आपका रजिस्टर में सब कॉलम फिलअप हो और ठीक तरह से ऑडिट के टाइम आपको कुछ भी दिक्कत न आए और आपकी एंट्री प्रॉपर क्लोज हो। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।